For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Moviez Adda. बॉक्स ऑफिस पर तानाजी रोर कर रही है लिटरली। यस, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक। और आज मंडे है, मंडे आते ही आ जाता है वीकेंड कलेक्शन हर फिल्म का जो भी उस हफ्ते रिलीज़ हुई होती है। और हम सब जानते हैं कि इस वीक रिलीज़ हुई है धमाकेदार दो फिल्में, यानी कि तानाजी और छपाक। तो यहाँ पर बात करूँगी मैं तानाजी की। द अनसंग वॉरियर तानाजी मालूसारे जी पर ये फिल्म बनी है, उनके स्ट्रगल पर, उन्होंने कितना साथ दिया छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस पर ये कहानी बेस्ड है। ऑडियंस को बज़ जब फिल्म का ट्रेलर आया था, जब फिल्म का पोस्टर्स आउट हुए थे, तभी बज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन ये फिल्म इतना एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर, ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। अब अगर मैं बात करना चाहूँ इसके फ्राइडे कलेक्शंस की, फर्स्ट डे ही इस फिल्म ने 15.10 करोड़ का बिजनेस कर लिया था, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि साथ में छपाक भी रिलीज़ हुई है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड स्टोरी। ऐसे में फिर भी ये फिल्म सब कुछ छोड़ छाड़ कर 15.10 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब हो गई पहले ही दिन। सैटरडे को इस फिल्म ने, क्योंकि वीकेंड होता है, लोग छुट्टी पर होते हैं डेफिनेटली, तो सैटरडे को इस फिल्म ने 20.57 करोड़ का बिजनेस किया, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। उसके बाद अगर बात करी जाए इसके संडे कलेक्शंस की, तो ये संडे कलेक्शंस और भी विद डबल ऑक्यूपेंसी रेट, ये संडे कलेक्शंस और ज़्यादा एक्सटेंड हो गए। जहाँ तक कि मैं बात करूँ, 26.08 करोड़ का बिजनेस कर लिया इस फिल्म ने संडे के दिन। अब अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात की जाए, तो महज 3 दिन में फिल्म ने 61.75 करोड़ कमा लिए हैं, विच इज़ ट्रमेंडसली वेल नंबर। बिकॉज हाल ही में जितनी फिल्में भी रिलीज़ हुई हैं, ये फिल्म अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई है। अच्छा जाएगी ये पता था, लेकिन काजोल, अजय देवगन और ख़ास करके मैं दाद देना चाहूँगी सैफ अली खान के परफॉर्मेंस की, जिनको बेहद पसंद किया जा रहा है, जिनके नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है ऑडियंस के ज़रिए, क्रिटिक्स के ज़रिए। क्रिटिकली वेल अक्लेम्ड फिल्म है, क्रिटिकली वेल अक्लेम्ड परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे अजय देवगन की बात की जाए, शरद केलकर की बात की जाए। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करना चाहूँ सैफ अली खान की, उन्होंने लिटरली पार डाला है तानाजी में, स्क्रीन को लिटरली खा गए हैं सैफ अली खान। तो कुछ इस तरह की ये फिल्म है, इस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। महज 3 दिन में फिल्म ने 61.75 करोड़ का बम्पर बिजनेस किया है, विच इज़ अगेन बेंचमार्क। बिकॉज ये तो बात पक्की है कि ये फिल्म शॉर्ट हिट हो गई है। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो जाइए ज़रूर देखिए। दिस इज़ ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।